लेकिन मुझे बाहर निकलना था ना घर से, तो घर में ना उस कमरे में ऐसे दम घुटता है, ऐसा लगता है कि पूनम को किसी वक्त भी अटैक आएगा, मेरा गला दबा देगा। हो गया है तुम्हें? तुम इस तरह क्यों सोचती हो? मतलब पुरम भाई अब इस तरह के पागल भी नहीं है यार। अरे तुमने वो हालत नहीं देखी ना खुरम की जो मैंने देखी है। तो फिर क्या चाहती हो तुम? इस यार किसी अच्छे अस्थमा स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट मिल जाए। हाँ तो ठीक है, तुम पुरम भाई से बोलो कि किसी अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें, तुम भी साथ चली जाना ना। अरे यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, खुरम इस चीज को कोई बीमारी कोई मर्ज समझते ही नहीं है। ऊटपटांग दवाइयां खाते रहते हैं, फिर जब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ उल्टा मुझ पे गुस्सा करने लग जाते हैं। क्या कुछ नहीं बोला, इतना डांटा है मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैं बीमार हूँ? क्या मसले हैं मेरे साथ? मैं क्या करूँ यार? क्या बात कर रही हो जुम्मो, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। मतलब इस तरह कौन करता है यार? मैं तो फंस गई ना यार, ना मैं अपने घर वालों से बात कर सकती हूँ, ना खुरम की फैमिली से बात कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन यार इलाज भी तो जब ही होगा ना जुगनू, जब पहले चेकअप होगा। फिर एक काम करते हैं ना, किसी अच्छे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लो अपने नाम से। अपने नाम से? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अरे मतलब मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। तू अपॉइंटमेंट ले ले अपने नाम से, फिर हम दोनों चलेंगे डॉक्टर के पास। बाकी तू अभी खा यार, फिर शॉपिंग पे चलते हैं। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने वक्त के बाद मैं खुली फिजा में निकली हूँ, सही से सांस आ रहा है मुझे यार। खाना